हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजप्रीत कौर, कोपा इंस्ट्रक्टर इन बाबा फरीद ITI गोशमीर। अज आप इंप्लायबिलिटी स्किल सेमेस्टर सैकेंड का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लर्न करते हैं, जो 2018 आया सी। कॉमन फॉर आल ट्रेड्स, सारिया ट्रेड लई कॉमन है। टाइमिंग की सी 3 आवर्स, मार्क्स 50। नोट, अटैम्प्ट आल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। आल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो सारिया के क्वेश्चन की इको जे अंक है। चूज द करैक्ट आंसर, सही आंसर चुनो। टोटल 25 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की है, द परसेंटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री सैक्टर इज डैश ऑफ होल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। मीन्स पूरे देश का जो उद्योगिक उत्पादन है उसका समाल, जो छोटे उद्योगिक सैक्टर है उसका किन्ने परसेंट है। ए ऑप्शन की है 25, बी 50%, सी 70%, डी 80%। तो इसका करैक्ट आंसर की है ऑप्शन बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर फेलर ऑफ एन इंडस्ट्रियल्स आर। एक उद्योगपति की असफलता के की कारण हैं। फर्स्ट ऑप्शन की है, टॉट कॉम्पीटिशन मीनस सख्त मुकाबला। सैकेंड, मोर एक्सपेंसर्स वधेरे खर्चे। सी ऑप्शन की है, हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की उच्च दर। डी ऑप्शन की अपना आल ऑफ दीस। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा ऑप्शन डी, all of these। next question है, full form of DIC is, DIC दी full form की है। A option की है direct investment center, B की है दिल्ली industrial corporation, C district industry center, D dual investment corporation। तो इसका correct answer की है option C, इंडस्ट्रियल सेंटर मीन्स जिला उद्योग केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बैंक्स वर नैशनलाइज्ड ऑन 15th अप्रैल 1980। मीन्स की है कि 15 अप्रैल 1980 किन्ने बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया सी। ऑप्शन ए की है 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा ऑप्शन बी, 6 बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया सी 15 अप्रैल 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन वाज इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैबलिश। मीन्स की है कि भारत की फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कदों स्थापित की गई सी। फर्स्ट ऑप्शन की है 1948, सैकेंड 1946, सी 1951, डी 1956। तो इसका सही आंसर की आऊगा ऑप्शन ए 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंक्लरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रिजर्व बैंक। मीन्स इन्हां विच्चों किसनू इंडियन रिजर्व बैंक की एक इनकलरी संगठन के रूप में स्थापित किया गया सी। फर्स्ट IDBI, सैकेंड ICICI, थर्ड की है IFCI, ते डी ऑप्शन की है ऑल ऑफ दीस। तो इसका करैक्ट आंसर की है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉटन मिल वाज सैट अप इन डैश। जो फर्स्ट कॉटन मिल सी वो कित्थे स्थापित की गई सी। फर्स्ट ऑप्शन की है कोलकाता, सैकेंड राजस्थान, थर्ड गुजरात, डी की है आंध्र प्रदेश। तो इसका करैक्ट आंसर की है ऑप्शन ए कोलकाता। फर्स्ट कोलकाता विच स्थापित की गई सी जो फेलर हो गया सी, ते सैकेंड कित्थे स्थापित किया गया सी कॉटन मिल बंबे दे विच। नेक्स्ट है, मैंबरस इन पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप दे किन्ने मैंबर है।
किन्ने मैंबर हो सकते हैं, वन, सैकेंड टू और मोर दैन टू, सी 100, 100, डी 500, 500। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा, ऑप्शन बी, पार्टनरशिप विच दो जां दो तो ज़्यादा मैंबर हो सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थिंग इन सिलेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री इज, मीन्स की है एक उद्योग की चोन विच की महत्वपूर्ण चीज़ होंगी है। फर्स्ट की है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मंग। सेकेंड की है कैपिटल मीन्स पूंजी। थर्ड नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आवाजाही की सहूलत। तो डी ऑप्शन की है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नैक्सट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिवेलप्ड कंट्री इज, सब तो विकसित देश हैं। फर्स्ट की है जर्मनी, सैकेंड जापान, सी की है स्विट्जरलैंड, डी रशिया। तो डिवेलप्ड कंट्री केड़ा इन विचों, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। नैक्सट क्वेश्चन है, विच आर द सडन रिस्क, मीन्स अचानक रिस्क या जोखम हैं। फर्स्ट ऑप्शन की है फायर मीन्स अग। सैकेंड एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग ऑन मशीन, मशीना ते काम करते समय एक्सीडेंट होना। सी की है इंजरी सट लगनी, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नैक्सट क्वेश्चन है, वर्क्समैन कंप्रेशन एक्ट वाज इंप्लीमेंट इन, मीन्स जो वर्कमैन मुआवजा एक्ट सी वो कदों लागू किया गया सी। ए ऑप्शन की है जुलाई 1923, बी ऑप्शन की है दिसंबर 1923, सी जुलाई 1924, डी दिसंबर 1924। तो इसका करैक्ट आंसर की है, ऑप्शन सी जुलाई 1924 लागू किया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ डैश मस्ट बी अवेलेबल इन इंडस्ट्री इन विच वूमेन वर्कर्स इंप्लाइड्स, मीन्स कि जिथे औरतां काम कर दियां उद्योग विच, मीन्स जिथे औरतां काम कर दियां उथे की लाजमी होना चाहिए, किस चीज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन की है क्रैच, क्रैच की हुंदा है जिथे बच्चों रखा जाता है। सैकेंड मैनेटरी होम्स मीनस जनेपा घर, सी कंटीन, डी रेस्ट रूम मतलब आराम करने लई कमरा। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा, ऑप्शन ए क्रैच। नैक्सट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन वर्क डैश ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, मीन्स की है कि जदों लॉकआउट हड़ताल जां तालाबंदी के कारण जिहड़ी प्रोडक्शन का काम हुंदा है उस ते की प्रभाव पैंदा है। कॉस्ट इनक्रीज कीमत वधदी है, पैनिक इनक्रीज पैनिक वधदा है, फैटिग्यू इनक्रीज थकावट वधदी है, डी मतलब स्टॉप रुकदा है। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा, ऑप्शन डी, स्ट्राइक जां लॉकआउट के समय जो प्रोडक्शन का काम है वह स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट, मीन्स हेठ लिखियां विच्चों केड़ा टोटल क्वालिटी लागत का हिस्सा है। फर्स्ट ऑप्शन की है प्रीवेंटेशन कॉस्ट रोकथाम लागत, सैकेंड की है अवैल्यूएशन कॉस्ट मुलांकन लागत, सी की है फेलर कॉस्ट असफलता लागत, ते डी की है ऑल ऑफ दीस। तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस। नैक्सट क्वेश्चन है, वेस्ट प्राइस और जीरो कॉस्ट इज, मीन्स की है बढ़िया कीमत या जीरो लागत है। फर्स्ट ऑप्शन की है क्वालिटी लीडरशिप, लीडरशिप दी गुणवत्ता। सेकेंड की है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दी माड़ी क्वालिटी। थर्ड की है डिस्काउंटर कॉस्ट छूट वाली कीमत, डी ऑप्शन की है नॉन ऑफ दीज।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਨਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਨੋ ਇਫੈਕਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡਿਕਰੀਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 80% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ 20% ਵਰਕ। ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਜ ਗਿਵਨ ਬਾਏ, ਮੀਨਸ 80% ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ 20% ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਜ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਮਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੋਸਬੇ। ਥਰਡ ਯੋਰਨ। ਡੀ ਪ੍ਰੇਟੋ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪ੍ਰੇਟੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਿਫੋਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜਸ ਡੈਸ਼ ਸਾਈਕਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੀ ਡੀ ਸੀ ਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਐੱਸ ਜੀ ਏ। ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਊ ਸੀ। ਡੀ ਨਨ। ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੀ ਡੀ ਸੀ ਏ। ਮੀਨਸ ਪਲੈਨ ਡੂ ਚੈੱਕ ਐਕਟ, ਯੋਜਨਾ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਐਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਏਮ ਆਫ ਕੇਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ, ਕੇਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆਈਟਮ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸਨੋਫਿਕੇਸ਼ਨਸ। ਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆਈਟਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਆਈ ਐੱਸ ਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਆਈ ਐੱਸ ਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਆਈ ਐੱਸ ਓ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਟੋਟਲ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 164 ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 58, ਸੈਕਿੰਡ 91, ਥਰਡ 101, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 56 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 164। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ। ਬੀ ਗੋਗਲਸ ਨਾਲ। ਸੀ ਗਲਵਸ ਨਾਲ। ਡੀ ਮਾਸਕ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗਲਵਸ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਵਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੁਗੈਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੇਜ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਨ ਏ ਵੀਕ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਸੀ ਈ ਓ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤੁਰੰਤ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤੁਰੰਤ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਈ ਯੂਜਿੰਗ 5S ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਰ, ਮੀਨਸ 5S ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਫੀਸੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ। ਬੀ ਸੇਫਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
सी इनक्रीज इन प्रॉफिट लाभ जां वाधा डी की है ऑल ऑफ दीज मीनस सारे तो इसका करैक्ट आंसर की आऊगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सो स्टूडेंट्स अज आप इंप्लायबिलिटी स्किल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लर्न किया सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।